लेकिन जो भी हो वो मतलब डेबिट नहीं हुआ, लेकिन और मैं मैन्युअली 5 तारीख को रिपेमेंट कर दिया था, तो अभी वहाँ पे चार्जेस क्यों दिखा रहा है? मतलब ये तो चार्जेस है, लोन अगर हम लोग टाइम पे नहीं चुका तो कितना दिन के बाद चार्जेस लगता है? आपका सर जब आपका ईएमआई बाउंस होता है तभी आपको चार्जेस लगते हैं सर। जब ईएमआई बाउंस होता है तब चार्जेस लगता है? यस सर, आपके यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आपका ड्यू टू फंड इज सफिशिएंट, यानी ड्यू डेट के टाइम पे आपने अकाउंट में ईएमआई मेंटेन ना रखने के कारण आपका बाउंस हुआ है। आपको हम बता दें आपका ड्यू डेट 3 तारीख है, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक अकाउंट में ईएमआई मेंटेन करके रखना होता है। आपने बताया कि आपने जो है आपका उस समय के लिए अमाउंट आपने जो मेंटेन नहीं थी, तो तभी आपका इसेस हिट किया होगा, तो आपका सर बाउंस लगेगा आपको। तब ये इसेस हिट करने के बाद आपके अकाउंट में ईएमआई मेंटेन ना होने के कारण आपको बाउंस लगा है। अच्छा, आपका ईएमआई क्लियर हुआ है, आपके बस चार्जेस बाकी है सर। और ये चार्जेस कितना दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा? इसका ड्यू डेट नहीं होता है, आप पेमेंट कर सकते हैं, पर अगर आपने लेट किया तो आपको सर जो है सिबिल में भी इफेक्ट होता है। जी सर, आप अपना जो है चार्जेस पे कर देंगे, आपका जो यहाँ पे लोन मैच्योर हो जाएगा। मतलब ये जो चार्जेस है ये कैसे पेमेंट करना पड़ेगा मैडम? आप साथ ही आपसे पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, www.tvsq की वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर ब्रांच विजिट करके भी पेमेंट कर सकते हैं सर। मतलब ये अकाउंट से तो नहीं कटेगा ना? नहीं सर, हमें अथॉरिटी नहीं होती आपके अकाउंट से चार्जेस डेबिट करें, वो आपको खुद ही पेमेंट करना है। क्या बताएं मैडम, आपके अकाउंट से हम चार्जेस डेबिट नहीं कर सकते, आपको खुद पेमेंट करना है सर। ओके, और कोई जानकारी? भाई आखिर तुम कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों को समझाना क्या चाहते हो? बहुत कुछ, जो कि एक ना समझ लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आखिर क्या क्या समझाना चाहता हूँ आप सबको एक एक पॉइंट में आसानी से समझा देता हूँ। टीवीएस क्रेडिट साथी का जो बाउंस चार्जेस है इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ खास बात है इसका किसी भी प्रकार का कोई ड्यू डेट होता नहीं है। मतलब आप लोग चाहे तो आज भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ महीने का बाद भी आप लोग चार्जेस को पेमेंट कर सकते हो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा दिन के बाद पेमेंट करें तो क्या हमारा क्रेडिट स्कोर के ऊपर कोई इफेक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? आप चार्जेस रिपेमेंट करने के लिए डिले करेंगे और क्रेडिट स्कोर डाउन नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इस केस पर भी अपना क्रेडिट स्कोर के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, मतलब वो डाउन भी हो सकता है अगर आप लोग जल्द से जल्दी रिपेमेंट नहीं करेंगे तो। और क्या क्या होता है यार, और भी 3 पॉइंट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ध्यान रखने वाला 3 पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर चार्जेस है ये अकाउंट से कभी भी डेबिट नहीं होगा। मतलब जिस अकाउंट के माध्यम से आप लोग ऑटो डेबिट का फैसिलिटीज चालू करके रखे हो उस अकाउंट से ये चार्जेस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि चार्जेस काटने का टीवीएस क्रेडिट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है। साथ में अगर आप लोग जब तक ये चार्जेस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये लोन क्लोज नहीं होगा। और लास्ट में गाइस, अगर अपना एक लोन क्लोज होता नहीं है सो उस बैंक से या फिर उस NBFC से दूसरा लोन मिलता नहीं है। ये बहुत सारा बैंक और बहुत सारे NBFC का रूल्स है और सेम रूल्स टीवीएस क्रेडिट साथी के ऊपर भी लागू होता है। मतलब अगर अपना एक लोन एक्टिव है और आप लोग अलग से कोई लोन लेना चाहते हो सो भैया वो पॉसिबल नहीं है।